फिल्म बहुत ही हिट हुई वो देखा मैं, मतलब मैं पूरी देख नहीं पा रहा था। कुछ ऐसी घिनौनी फिल्में हैं कि वो हमको देखने में मजबूर करते हैं। अब वो चलती है तो मुझे लगता है कि बार बार हम इस तरह का मटेरियल दिखा के लोगों को मजबूर करते हैं ये पसंद करने के लिए। आपकी फिल्में नाना साहब मैंने देखी हैं। एक समानांतर सिनेमा जब चलता था, स्मिता जी का और सबका दौर था, वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की जा रही है यहाँ पर, और विवेक सर की भी फिल्में देखते ही रहते हैं। कॉमन क्वेश्चन है कि समानांतर सिनेमा आज के बाजार के समय में, मार्केट के टाइम में कितना सफल है, कितना असफल है, और विवेक सर आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें कितना मानते हैं कि ये पैरेलल समानांतर सिनेमा कितना सफल हो पाएगा? और नाना सर आपकी तरफ से हमें चाहिए कि आप इस फिल्म को समानांतर सिनेमा की लिस्ट में रखते हैं या फिर नहीं? एक तो पहली बात, वो जो अंतर था, एक कमर्शियल फिल्म और समानांतर फिल्म हो रहा नहीं अब, उस जमाने में था, अब वो तो है नहीं। OTT आने के बाद हमारी हर किसी फिल्म को एक प्लेटफॉर्म मिल गया और जितने व्यूवर्स थे वो पैसे हमारे आ जाते हैं, तो वो समानांतर फिल्म का वो रहा नहीं। रहा थॉट कौन सा आप रखते हैं। अब जिस तरह की फिल्में हिट हो रही है, आज मैंने कल एक फिल्म बहुत ही हिट हुई वो देखा मैं, मतलब मैं पूरी देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो बहुत चलती है यार। अब वो चलती है तो मुझे लगता है कि बार बार हम इस तरह का मटेरियल दिखा के लोगों को मजबूर करते हैं ये पसंद करने के लिए। अब मैं एक्टर हूँ, कल मैं अपने बेटे को एक्टर बनाना चाहता हूँ, अब उसके अवकाश हो ना हो, लेकिन मैं तो थोपना चाहता हूँ आपके ऊपर, एक फिल्म उसकी गिर जाए चलो दूसरी फिल्म में मैं लूँगा, तीसरी, 10 फिल्में होने के बाद वो कहीं आपको उसकी बुराइयाँ कम नज़र आने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको आप अपनाने लगते हो और एक दिन हमारे वो सर पे बैठता है। वो ऐसा वो आज का वो चित्र है हमारे यहाँ फिल्म का। क्यों, कुछ ऐसी घिनौनी फिल्में हैं कि वो हमको देखने में मजबूर करते हैं और हमको ऐसा ऐसा लगता है नहीं यही अच्छी फिल्में हैं। उसमें अगर ऐसी फिल्म आती है तो फिर पता चलता है नहीं यार, दो फिल्मों में फ़र्क है, वो जिंदा है नहीं, दो फिल्मों में अच्छा और बुरा। अच्छा, जो थोपा हुआ जो बुरा है हम पे, जो उसको हम अच्छा कहने लगे हैं वो, और ये अच्छा, इसमें बहुत अंतर है। तो जो समांतर वगैरह नहीं रहा, ये सिर्फ अच्छी और बुरी फिल्म का एक दौर है। तो हम जिस तरह से माउंट करते हैं, आज मैं हैरान हूँ, मैं तो जाता नहीं, मैं सच कहता हूँ, मैंने विवेक को कहा कि यार मैं प्रमोशन को जाता नहीं, जितना मैं मुझे करना था अच्छा बुरा वो मैंने फिल्म में कर दिया, अब यहाँ आके मुझे क्या बोलना है, मैंने ऐसे किया वैसे किया, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इतनी तादाद में लोग आते हैं प्रमोशन के लिए, मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आता यार मैं क्या बोलूँ। और सबसे गंदी बात यह है कि ये गलत लफ्ज निकल गया ना, तो इतना बड़ा कुछ बोल दिया उसमें से वो गंदा लफ्ज, अब है भाई इंसान है, एक आधा इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो नहीं होता। तो हमें वो, मैंने तो वो बोलना ही बंद कर दिया, जितना जितनी जान डाली है अपने काम में डालो यार, यहाँ बोल के मैं बड़ी बड़ी बातें करूँ और मेरी बकवास फिल्म है तो थोड़ी चलने वाली है, और ना भी करूँ तो अच्छी है तो वो चलनी ही चलनी है। और ये मैं सच कहता हूँ, मुझे वो अंदर से लग रहा था कि नहीं यार जाना चाहिए, तो मुझे वो खाम खाम को कहीं गाँव से मैं इधर आना पड़ा, लेकिन नहीं ये फिल्म है। अगर दूसरी कोई एक बहुत कमर्शियल किस्म की फिल्म होती तो वह शायद नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अपना बच्चा है, मैं हूँ, मैं मेरा खून है, मुझे लगता है कि ये मेरी बिरादरी है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। आपकी गिद्ध फिल्म हमने देखी है, बहुत बहुत शुक्रिया सबकी, पूरी टीम को, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत शुभकामनाएं। विवेक रंजन थैंक यू सर। हेलो विवेक रंजन, वो समानांतर की जो आप बात कर रहे थे, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा कई लोग मुझसे बोलते हैं अलग, हम कुछ अलग कर ही नहीं रहे जी। एक मुझे बहुत बड़े दिग्गज संगीतकार ने बात बोली थी कि अगर आप बेसुरा गाना, बहुत सारे बेसुरे गाने ही सुनते रहे तो उसी को सुर समझ बैठते हैं, वही आपका सा बन जाता है। और अगर एक गांव में सिर्फ बेसुरे गाने सुनने की आदत पड़ जाए
तो कोई सुर वाला जो सही सुर में गा रहा है, लोग उससे यही पूछते हैं आप इस सुर में क्यों गा रहे हैं भाई, यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। और मैं कोई नया नहीं बाहर से फिल्म इंडस्ट्री में आ गया हूँ कि कोई एक बड़ा फ्रस्ट्रेटेड आर्ट फिल्म बनाने आया था तो अलग तरह की फिल्म बना रहा हूँ। मैंने भी कमर्शियल फिल्मों में काफ़ी साल दिए हैं और बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ बनाई हैं और मैंने बड़े बड़े स्टूडियोज़ के साथ सब प्रोजेक्ट्स में बैठा भी हूँ। मैं बताता हूँ मैंने ऐसी फिल्में बनानी क्यों शुरू की, क्योंकि सब जगह मुझसे हर स्टार ने, हर प्रोड्यूसर ने, हर स्टूडियो ने यही बोला यार कहानी थोड़ी सिंपल कर दो, लोगों को समझ में नहीं आती, मतलब थोड़ा डम डाउन कर दो स्टोरी को। एक बहुत बड़े स्टार